जम्मू शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़कें खोद दी जाती हैं, उसके बाद उनको रिपेयर करने का दोबारा कोई मंशा नहीं दिखाता है। मैं इस समय वार्ड नंबर 40 में हूँ, तालाब तिल्लो का एरिया है, और ये एडजॉइनिंग लाइन है तालाब तिल्लो से जो कि अखनूर रोड पे जाके मिलती है। एक समय पे ये सड़क बिल्कुल ठीक तरह से थी और इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी। उसके बाद सड़क की वाइडनिंग हुई, वाइडनिंग के बाद जैसा काम था वैसे ही छोड़ दिया गया। और मैं एक ये छोटा सा आपको झलक दिखाता हूँ, ये गाड़ी की हालत देख लीजिए। जैसी ये गाड़ी की हालत है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के तमाम लोगों के फेफड़ों की भी यही हालत होगी, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा डस्ट यहाँ पे उड़ती है। और सिर्फ एक घर की नहीं, यहाँ पर पूरे लास्ट स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पूरे तक मोहल्ले की भारत प्रॉब्लम नगर का ये एरिया आता है, सारे एरिया की यही हालत है भारत नगर से ही। कि डस्ट और साफ़ सफाई कोई नहीं, गाड़ियाँ दिन भर गुजरती हैं। मेन लाइन है ये, और ये एक बार देख लीजिए यहाँ से नज़ारा इसका, कि पूरी सड़क उखड़ी हुई है, डस्ट उड़ती है यहाँ पर। इलाके में काम भी नहीं हुआ है, ब्लैक टॉपिंग की साफ दिख रहा है कि बहुत समय से हुई नहीं है। लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किससे शिकायत करें कुछ समझ नहीं आती लोगों को। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल शर्मा है। जी बहुत बार हम लोगों ने अपने कारपोरेटर से अपील की कि आप आइए देखिए हालत, वो भी आती हैं और चली जाती हैं, बस सामने आती हैं और चली जाती हैं, करता शर्ता कोई नहीं है इधर भी। तो इतनी हालत ख़राब मेरे ख्याल में गाँव में भी नहीं होती है। कहीं गाँव भी देखो ना आप, तो स्वच्छ भारत लग रहा है। तो हमें समझ नहीं लगती कि हम मोदी जी के राज में कहाँ पर फंसे हुए हैं। पूरी गंदगी, पूरी नालियाँ भरी हुई हैं, बारिश आती है तो सारा पानी, सारे कीड़े तमाम लोगों के, पूरे हमारी किचन में, बाथरूम्स में, जहाँ जहाँ भी एग्जिट पॉइंट है वहाँ भर जाता है। तो आप लोगों को, आपको भी तो शिकायत होती होगी जब बाहर निकलते हैं धूल इतनी उड़ती है तो अंदर बहुत ब्रीदिंग की। शिकायत करते हैं, बहुत बार शिकायत की। एक बार तो जुगल किशोर जी आए थे, अच्छा। उनको भी शिकायत की, उन्होंने कहा आप फिक्र नहीं करिए, मैंने कर दिए हैं तो हमारे फंड्स भी आ चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कितनी पुरानी बात है? ये कोई 7-8 महीने की बात है। सात आठ महीने हाँ की हाँ बात है। कुछ और इस एरिया में जो लोग अपना व्यवसाय भी करते हैं, अपनी दुकानें भी हैं, सामने भी एक दुकान है, यहाँ पर भी है। मत पूछिए, आप मुझे बताइए ये जो हालत है, मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों ने अपनी आने जाने का जो रास्ते हैं वो बदल दिए होंगे हर सड़क की वजह से, काम भी सफ़र किया इस वजह से। हाँ सर, बहुत परेशानी है यहाँ पे, हर वक्त धूल होती है, गलों में धूल है। लोग यहाँ पहले कस्टमर रुकते थे, अब तो कस्टमर रुकते ही नहीं है यहाँ पे, इतनी डस्ट है हमारे अंदर गले। आप अंदर जाके चेक करोगे तो बहुत बुरी हालत है गले हमारे, बिल्कुल। अगर हमारा कोरोना टेस्ट होता तो हम पॉजिटिव ही आएंगे, इतने गले हमारे भारी हो जाते हैं रात को। तो जी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे। हम हमारे जो कॉर्पोरेटर है वो भी घर में बैठी है, हम देखने भी नहीं आती कि हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं, पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, मुझे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आगे कमला पैलेस भी है, और ये जो सड़क है ये मशहूर कमला पैलेस की वजह से ही थी, लिंक रोड है, इसी वजह से लिंक होती थी, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इसमें अमूमन आम दिनों पर रहता था, लोग यहाँ से गुजरते थे। अब तो 4 लेन का हाईवे और एलिवेटेड रोड रोड भी बन रहा है, बाहर तो एलिवेटेड रोड बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, लेकिन अंदर की जो हालत है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अब क्या इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे आवाज़ पहुंचाएंगे ताकि इसका सोल्यूशन निकल सके, क्या लगता है आपको? सर एक्चुअली हमारी जो कॉर्पोरेटर हैं नीलम नरगोत्रा जी, उनको जितनी भी आप कंप्लेन करेंगे वो कुछ नहीं एक्शन लेने वाले। तो इसका यही एक सॉल्यूशन है कि हमारे गवर्नर जी से यही हमारा अपील है कि ये रोड का जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करें और यहाँ ब्लैक टॉपिंग जल्दी से जल्दी करवाई जाए। आप यूथ हैं, गवर्नर ने अपना ग्रीवेंस एक सेल रखा हुआ है, क्या आपने अपने तरीके से ग्रीवेंस सेल में कोई कंप्लेंट डाली है आप लोगों ने किसी? हमने ग्रीवेंस सेल में नहीं, पर हमारे कॉर्पोरेटर से हमने बहुत बार अपील की है इस चीज़ के लिए कि ये रोड का अगर वाइडनिंग हो चुकी है, हम MP समेत हमने बोला था, अगर ये रोड का अगर काम चल रहा है, ये 3 साल पहले ये वाइडनिंग का काम हुआ था, पोल्स अभी तक हटे नहीं है, पोल्स बीच में है, ट्रैफिक जाम यहाँ पे रहता ही रहता है, और यहाँ से जब से हम बॉर्न है तब से हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे आगे निट स्कूल है, निट स्कूल के सामने तो मतलब वहाँ पानी खड़ा होता है और पूरी रोड वो बह जाती है पानी के साथ। और ये जो यहाँ पे इन्होंने खड्डे खोदे हुए हैं, ये कोई पाइप वगैरह डाली होगी, तो जिस कंपनी ने किए थे उनका काम था दोबारा रिपेयर करना, वो भी नहीं आए दोबारा, कोई नहीं आया, दर्शन नहीं दिए, कोई नहीं आया। ये बहुत, ये कहें कि एक दुर्भाग्य है इस इलाके का, क्योंकि एक समय पर जहाँ पर मुख्य रोड थी ये, और उसके बाद जब मेन सड़क ही बाद में इस तरह की हालत हो जाए कि लोग इग्नोर करें कि हम यहाँ से गुजरेंगे ही नहीं, गुजरेंगे। जी 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 ये बताएं, लिंक रोड है अखनूर रोड से लेके ये पूंछ हाउस में निकलती है, तमाम माफिया, गुंडा, गर्दी, बदमाश काम इधर किए जाते हैं। अच्छा। रात को ट्रक भर भर के रेत पत्थर छोटे बड़े सब यहाँ से गुजरते हैं, शराबें पी के, बड़े बड़े ऊंचे गाने लगा के, पुलिस के लोग आगे खड़े हैं, पुलिस के लोग पीछे खड़े हैं, ये क्या मजाक बनाया है, ये दिन गुंडा गर्दी चलेगी, ये क्या BJP का राज है? अब मोदी साहब कहाँ कहाँ आएंगे और इनको दुरुस्त करेंगे? इन वो तो केंद्र में बैठे हैं ना, जो लोकल लीडरशिप है। हाँ, लोकल लीडरशिप से बड़ा कुछ कहा है हमने, लेकिन क्या पुलिस को नहीं दिखता?
क्यों नहीं दिखता है? आंध्र पुलिस बेचारे कोरोना से निपट रहे हैं और बाकी के मुफ्त में बैठे हुए हैं। कोविड का ये समय चल रहा है, कोविड के समय में थोड़ी सी भी अगर अगर ब्रीदिंग की शिकायत हो तो तुरंत जो जो टेस्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। यहाँ की जो डेस्ट की हालत है सर मुझे बताओ। ये देखिए ना सर, ड्रेनेज के देखिए पहले, हम जम्मू सिटी में रहते हैं, हम लोग चांद पर और कहाँ कहाँ पहुँच गए, ये देखिए ये सिटी की हालत है, मतलब जम्मू शहर की ये हालत अगर इस तरह से ड्रेनेज में थोड़ा सा कैमरा मारे ना इधर देखिए, इतने मच्छर, इतनी एपिडेमिक हो रही है, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन नोबडी इज वरीड। यूईडी डिपार्टमेंट ने कहता है सैंक्शन भी हुआ है, लेकिन आज तक कोई काम नहीं शुरू कर रहे। एक दफा काम शुरू किया फिर छोड़ दिया। तो मतलब ये देखिए आप, काम शुरू करके उसके बाद खत्म नहीं करना लंबे उसको बस्ते में, स्टार्ट किया और छोड़ दिया। ये पीएचई वाले पाइप हैं, वैसे इलेक्ट्रिसिटी वालों ने पोल शिफ्ट करने थे वो भी नहीं कर रहे, ब्लैक टॉपिंग कोई कुछ काम नहीं हो रहा। मतलब आप लोग जो हैं हमारे कॉर्पोरेटर के पास गए, एक्स-एमएलए के पास गए, एमपी साहब को, जुगल किशोर जी को भी हमने दो तफा इधर लाया, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। बहुत बहुत लोगों की बुरी हालत है इस जगह में, और मुझे लगता है शायद एक से आधे से एक घंटे में कोई शख्स यहाँ पर खड़ा हो बिना मास्क के, क्योंकि मास्क हम लोगों ने लगाए हैं, उसके अंदर इतनी डस्ट घुस जाएगी कि उसको दमे की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। पूरी सड़क जी हमारे पूरी सड़क उखड़ गई है, यहाँ पे बीच में पाइप्स भी डाली गई, ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई, नालियों की कोई सफाई नहीं होती है, और एक समय में जो जो चमकती हुई सड़क थी, आज इसका दुर्भाग्य ये है कि पूरी तरह से उखड़ी हुई है, बिल्कुल ब्लैक टॉपिंग नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है, और पढ़े लिखे लोग यहाँ पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ जाएं अपनी ग्रीवेंस किसको सुनाएं, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बात करती है कि वो हर एक एरिया को चमका रही है, साफ़ सुथरे वार्ड जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर जितने भी हैं वो देखने में आ रहे हैं, लेकिन बीच शहर के तालाब तिल्लों का एरिया, कमला पैलेस का ये पूरा रोड विख्यात है, सभी जानते हैं, ये पुंछ हाउस से जाके लगती है, इसकी ये हालत है कि लोग गुजरने में इतनी दिक्कत परेशानी महसूस करते हैं कि यहाँ पे आना ही बंद कर दिया है। और जो लोगों ने व्यवसाय खोले हुए हैं पता नहीं कैसे वो शटर खोलते हैं, क्योंकि अगर खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट उनके अंदर जाती है और ग्राहक जो है वो जाकर उनके घर दुकानों पर राज़ी नहीं है। अब कब तक प्रशासन की नींद खुलेगी और इस तरह के शहर के बीच के जो इलाके हैं उनका जो व्यू है, उनके जो ये इस तरह के दृश्य हैं इसको बदलेंगे, ये देखना लाजमी रहेगा। या लोग चाहते या प्रशासन चाहता है कि लोग सड़कों पर आकर हाय हाय करें तभी उनके काम होंगे, सॉफ्टवेयर से काम नहीं होगा। अब देखना ये कि क्या कोई असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, तालाब तिल्लों जम्मू।